चैप्टर है। हाँ, सेमीकंडक्टर्स है और कर लेते हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या कि ट्रांजिस्टर भी है ना वो, और लॉजिक गेट भी है, तो अगर करेंगे एक तो बड़ा है, उसके बाद कम्युनिकेशन भी अगर करने बैठेंगे प्रॉपरली तो फिर बड़ा है। तो सेमीकंडक्टर्स में सबसे पहली चीज को सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सर बेटा ऑनलाइन शेयर कर दिया मैंने ये वीडियो, एक सेकेंड, नो सर, अभी नहीं हुआ, अब दिख रहा है सेमीकंडक्टर्स। यस यस, दीपावली 4 तारीख के और छुट्टी 3 4 5 है, तो 7 तो नहीं है, तुम्हारी होगी मतलब तुम्हारे बैच ही होगी, हम लोग ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। बेसिक देखो बेटा ये है कि कंडक्टिविटी आती कहाँ से है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कंडक्टिविटी आती कहाँ से है। तो ये अब तक हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आती है, वही तो चार्ज कैरियर होते हैं, वही तो क्या है चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर और चार्ज होने में डिफरेंट है भाई। चार्ज क्या है? चार्ज कोई एक पार्टिकल थोड़ी ना है, चार्ज एक कॉन्सेप्ट है। ये सारे हमारे दिमाग के कॉन्सेप्ट, तो इतनी बार हमने उनको सुन लिया है कि हमें लगता है कि चार्ज कुछ सच में होता हो चलता होगा, बट चार्ज कोई होती चीज नहीं है। चार्ज तो एक सिंपली प्रॉपर्टी है, चार्ज को इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। चार्ज को इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कैरी। चार्ज इलेक्ट्रॉन इज चार्ज कैरियर। अब ये तुम्हारी कॉन्सेप्ट अब तक थी कि सिर्फ चार्ज कैरी इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अब इसी चैप्टर से बदल जाएगी। ये जो दो चैप्टर है सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन, इनका अगर तुम लोग बीटेक करोगे तो एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यही यही सेमीकंडक्टर का चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है और जो अगला कम्युनिकेशन का चैप्टर वही कम्युनिकेशन, यही दोनों चैप्टर उसके बेस है, रूट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। नहीं तो बीटेक करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से करोगे, तब तो सब लोग सुने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। तो अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में आओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो तुम्हारा जिसपे सेमीकंडक्टर बेस्ड है, वहां पे हम लोग बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चीजें ऑब्जर्व हुई है, ये बहुत पुरानी नहीं है, ये पिछले 30 40 ईयर्स की है। इनफैक्ट तुम अगर एलईडी की देखोगे, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड अपने है, सिलेबस में भी कराए मैं बताऊंगा, लाइट इमिटिंग डायोड सेमीकंडक्टर का पार्ट है। तो मैं बता दूं उस वो जो बंदा जिसने लाइट इमिटिंग डायोड ढूंढना था, उसको पिछले या पिछले उसके साल ही नोबेल प्राइज मिला उस चीज का। बुढ़ा हो गया था, 95 ईयर का हो गया था, उसको भी पिछले या पिछले साल उसको नोबेल प्राइज मिला एलईडी डिस्कवर करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो विदिन 40 50 ईयर्स की भीतर की है सेमीकंडक्टर्स की। तो इनके बारे में जो भी चीजें हैं वो काफी कुछ हद तक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन पे गिवन मॉडल्स, बार बार मैं बोलता हूँ मॉडल फिक्स मॉडल होते हैं, कोई किसी ने भी नहीं देखा अंदर क्या होता है, लेकिन हम लोगों की सोच यहाँ से चेंज हो जाएगी। कंडक्टिविटी यानी कि अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस दे दें तो करंट का होना, ये बेसिस पे मटेरियल 3 टाइप के होते हैं। कंडक्टर जो बहुत अच्छी कंडक्टिविटी देते हैं, इंसुलेटर जिनकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है, और सेमी कंडक्टर जो बीच में होते हैं। कैसे पता चलोगे? तो एक तुम्हारे पास तरीका कि रेजिस्टेंस देख लो मटेरियल का, दूसरा तरीका कि रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन एम, एक टर्म आता है रो रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी के इनवर्स को बोलते हैं मटेरियल की कंडक्टिविटी सिग्मा। तो सिग्मा की मैथमेटिकल वैल्यू निकाल लो एक्सपेरिमेंट से, वी इज इक्वल टू आई आर से, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन एम, सब सिलेंडर रख लो ऑब्जेक्ट, एलओडी पता है, रो पता है, रो का इनवर्स सिग्मा पता है, सिग्मा के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को तुम ऐसे एक सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर में रखो। तो सबसे आगे आगे आए हैं सिग्मा, हाईएस्ट सिग्मा वाले वो कंडक्टर है, जो सबसे लोएस्ट सिग्मा वाले हैं वो इंसुलेटर है, और जो बीच में आए वो होते हैं सेमी कंडक्टर। क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर, और इंसुलेटर के बीच में। तो सेमी कंडक्टर का पहला पॉइंट, ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? तो मैं यहां साफ साफ लिख दे रहा हूं, सेमी कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स, सेमी कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स कंडक्टिविटी ऑफ विच, कंडक्टिविटी ऑफ अभी आ रहे बता रहे कंडक्टिविटी ऑफ विच लाई बिटवीन, आएंगे उस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे कंप्रेसर वाले मटेरियल्स। कंडक्टिविटी ऑफ विच लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, पहला सबसे जो बेसिक होता है कोई पूछे सेमीकंडक्टर क्या है,
ऐसे मटेरियल जिनकी कनेक्टिविटी सिग्मा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच। अभी और कौन आएंगे धीरे धीरे, पूरा चपरी सेमी कंडक्टर पे है, तो इसका मतलब है कि तो बिगनिंग। अच्छा होते कहाँ पे, तो तुमको मालूम है मेटल्स कंडक्टर कहाँ पे होते हैं भैया? तो डी ब्लॉक में या तो एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक पूरा तुम्हारा वो नॉन कंडक्टर पी से। हाँ, अब तुमको मालूम है कि इधर क्लोरीन ब्रोमीन ये सब तो गैसेस हैं, और जो नॉर्मल गैसेस तो बिल्कुल ही इंसुलेटर होती है, वो तो फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। और इधर सोडियम पोटेशियम वाली जो सीरीज है ये पूरी की पूरी कंडक्टर है, मेटल्स हैं। तो बीचों बीच पीरियोडिक टेबल के बीचों बीच कार्बन जो सीरीज होती है, और सीरीज कार्बन जिसके पास ना तो मेटल की तरह एक या दो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उनको दे दे, और ना तो वो फ्लोरीन क्लोरीन या नॉर्मल गैसेस हीलियम आर्गन की तरह उसके पास 8 या 7 इलेक्ट्रॉन है जो एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया फिर कुछ ना करे, उसके पास 4 है, वो 4 बिल्कुल मुसीबत में है, ना दे सकती ना ले सकती, फंस गई बीच में। कार्बन वाली फैमिली, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ये वाली जो सीरीज है यही सेमीकंडक्टर सीरीज। कौन सी सीरीज है? सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम सब कुछ तो सिलिकॉन का ही तो है, सारे के सारे कंप्यूटर सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिलिकॉन चिप पे तो बेस्ड है। अब सिलिकॉन ही अलग बात है कि तुम्हारा मतलब अमेरिका में सिलिकॉन वैली वहां पे डेजर्ट है, सिलिकॉन वैली वहां सच में सिलिकॉन पहले मिलता था, पहले वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होती थी, बाद में वहां पे सॉफ्टवेयर काम स्टार्ट हुआ। तुम्हें मालूम वहां पे कैलिफोर्निया, अमेरिका में एक जगह कैलिफोर्निया स्टेट, वो डेजर्ट है, वहां पे सिलिकॉन मिलती जमीन में, उसी से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होती थी। अब वो जो सिलिकॉन है वो उसकी खासियत क्या है? सिलिकॉन ही इस चैप्टर की बेस है, उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 4। ना तो मेटल की तरह अच्छा कंडक्टर बन सकता ना इंसुलेटर की तरह। अब उसके साथ देखो एक एडवांटेज और भी है, ये सेमी कंडक्टर हम स्विच की तरह यूज करते हैं। स्विच क्या होता है? स्विच ऑन तो करंट जा रही है, स्विच ऑफ तो करंट नहीं आ रही। ऑन को अगर मैं बोल दूं कि एक ऑन हमारे लिए एक मैथमेटिकल स्टेट है 1, और ऑफ हमारे लिए एक मैथमेटिकल स्टेट है 0, तो मैं ऑन ऑफ या ऑफ 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 ऑन 0 1 के सिग्नल बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? सिग्नल। जैसे मान लो हम कोडिंग कर रहे हैं और मैं तुमसे बोलूं कि मैंने एक कोड बनाया, कि अगर मैं तुमसे बोलूं ऑन 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 ऑफ 1 1 1 0 का मतलब होता है क्लास चल रही है, कोई भी एक लाइन का मतलब बना दो, कोडिंग कोडिंग तो वजह से कुछ भी कर सकते हो। तो अगर मैं तुमको ये सिग्नल भेजू 1 1 1 0 मैसेज टाइप करके, और उस मैसेज को कोई सिर्फ 2 लोग जानते हैं, हम और तुम, और कोई नहीं पढ़ सकता, तो बाकी लोग नहीं सोचेंगे 1 1 0 का क्या मतलब है ना, और तुम समझे एक क्लास ऑन है। और ये अलग बात है क्लास हो तुम्हारी उसमें शॉपिंग मॉल में कौन सा फिलिक्स पलासी हो तुम्हारा दोस्त है, ऐसे तुम कोडिंग बना लो और दोस्त ने तुमको व्हाट्सएप मैसेज कर दिया 1 1 1 0, मम्मी पापा देखे 1 1 0 अच्छा बहुत अच्छा बच्चा कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है आजकल, और तुम्हारा 1 1 0 का मतलब है आज क्लास नहीं जाना, आज फिजिक्स क्लास हो। हाँ और क्या। हाँ तो अब ये जो होता है इसको बोलते हैं कोडिंग। क्या बोलते हैं? कोडिंग। कोडिंग का मतलब है कि एक सेंडर है एक रिसीवर है, सेंडर और एक रिसीवर, तो दोनों के बीच में एक प्रॉपर एक कोड है जिसकी मीनिंग दोनों समझते हैं। जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनमें सेंडर यानी कि यूजर, रिसीवर यानी कि मशीन, इस मशीन को कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं कि ये तुम्हारा कब ऑन कब ऑफ, क्या तुम टाइप कर रहे हो क्या लिख रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं, उसे कोई इमोशन नहीं है, वो सिर्फ 2 चीजें जाती है उस सर्किट में, करंट जा रही है नहीं जा रही, ऑन या ऑफ, तो सब कुछ हमारा 0 1 के ढंग से समझती है। किस क्रम में? 0 0 मतलब करंट नहीं जा रही है, 1 मतलब करंट जा रही है। तो 1 और 0 के टर्म में यहाँ पे स्विचेस लगे हुए हैं, तो ऐसे समझो इसमें जो आईसी होती है इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड चिप वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करके कई सारे ट्रांजिस्टर के सेमीकंडक्टर की चिप्स होते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस। अब वो बिलियंस एंड बिलियंस के टर्म में 0, जितना तुम उसमें अच्छा करते जाओगे ज्यादा सेमीकंडक्टर जोड़ते जाओगे। समय के साथ क्या हुआ है, पिछले 50 सालों में क्या हुआ है? पहले क्या होता था, एक बड़ी सी चिप बनती थी, एक बड़ा सा ट्रांजिस्टर पूरे कमरे भर का साइज का, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, छोटा हुआ, पहले बड़ा एक तुम्हारे रूम भर का कंप्यूटर होता था, पुराने कंप्यूटर देखो फोटो देखो हिस्ट्री में दिखाई देंगे, फिर उसके बाद एक डेस्कटॉप आया, फिर आया कंप्यूटर, फिर आया लैपटॉप, फिर आया मोबाइल में सारी चीजें आने लगी। क्यों? क्योंकि वो चिप्स
बहुत सारे ट्रांजिस्टर उस छोटे से चिप में हम उनको पहले माइक्रो, फिर नैनो, अब नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है ना इसमें, नैनो स्केल पे इंटीग्रेट करते चले गए। उनका एक ही काम होता है, जीरो वन के टर्म्स में कन्वर्ट करना। किसके टर्म में कन्वर्ट करना? जीरो वन। और वो हमारी एक कोडिंग है। क्या है? कोडिंग। तो एक तुमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगर ए सी आई ए कोड होता है, ABCD, ए से लेके जेड, जीरो से लेके नंबर, सारे स्पेशल सिंबल, स्टार, हैशटैग, सबका जीरो वन के टर्म में एक कोड है। क्या है? कोड। जो दो लोग समझते हैं, एक मैं समझता हूँ, मतलब सब लोग, हम लोग जो है यूजर समझते हैं, और एक हमारी मशीन समझती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चिप है वो एक जीरो वन समझती है। तो वो क्या करती है, वो इस चीज को कन्वर्ट करती है। हमने जो दिया, हमने जो भी कंप्यूटर को एक कमांड दिया, वो उसको जीरो वन में कन्वर्ट करती है, और वो जीरो वन के टर्म में ऑपरेशन करती है, लेकिन आउटपुट भी हमें जीरो वन की हमारे हमारी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होकर दिखा दिया जाता है। समझे? सुपरफिशियल लेवल पे जो कोडिंग हो रही है मशीन के लैंग्वेज के टर्म्स में, वो मशीन और हमारी जो लैंग्वेज होती है उसके टर्म में, बीच में असेंबली लैंग्वेज होती है ना, पता ही होगा तुम लोगों को थोड़ा बहुत। तो वो उसको जीरो वन में कन्वर्ट करती है। तो उसका काम कौन करेगा? एक ऐसी चीज करेगी जिसको दो चीजें आती हो, क्या? जीरो वन में कन्वर्ट होना, जीरो और वन। तो कंडक्टर हमेशा वन स्टेट में है, इंसुलेटर हमेशा जीरो स्टेट में है। सेमी कंडक्टर की खासियत होती है कि वो जीरो वन में स्विच मार सकते हैं, और जब चाहे वोल्टेज हम चेंज करके उनको ऑन कर सकते हैं, और जब चाहे वोल्टेज करके हम क्या कर सकते हैं? ऑफ। यही सेमी कंडक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दे आर मैन्युपुलेटेबल, हम उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑन ऑफ। तो ऐसे समझो कि सेमी कंडक्टर का चैप्टर जो है वो स्विच का चैप्टर है। स्विच है, क्या है? स्विच, जीरो वन में चेंज करने के स्विच। नहीं, तो अब ये करते कैसे हैं, तो उसकी थोड़ी सी लंबी कहानी है, फिर इस चीज पे दोबारा आएंगे। नहीं, लंबी कहानी सुनेंगे तो नहीं। अब सबसे पहली चीज तो ये समझो कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल किए थे, तो वहां पे मैंने बोला था कि एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होते हैं। जैसे सबसे जो पहली ऑर्बिट थी एन इज इक्वल टू वन वाली, उसको लिखा था -13.6, एन इज इक्वल टू थ्री था -3.4, 3.4, फिर उसके बाद -1.51, फिर -0.85, फिर -0.54, ऐसे लिखते चले गए। तो क्या बोला था, जो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी एग्जैक्टली इतनी होगी। भाई हाइड्रोजन तक तो अप्रोक्सीमेटली बात सही है, हाइड्रोजन में क्या भैया एक ही एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ एक्चुअल में तो ऐसा है, हाइड्रोजन तो बड़ा सिंपल सा है ना, एक्चुअल में तुम्हारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमने जिस तरीके के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल निकाले थे, वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड वैल्यू निकालते थे कि इतनी एनर्जी होती है डिस्क्रीट का मतलब ये या तो ये, ऐसे सिंगल वैल्यू। एक्चुअल में ऐसे नहीं होते, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट एनर्जी कोई बता ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जीज होती हैं वो एक रेंज में लाई करती है, इसमें लाई करती है रेंज, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है ना थोड़ा बहुत आगे पीछे। और वैसे भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ एक न्यूक्लियस से शेयर नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन अगल बगल के एटम्स के न्यूक्लियस से भी शेयर होता है। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा थोड़ा ना कि वो वैक्यूम में घूम रहा है, भाई एक न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में, क्या उसके बगल चारों तरफ तो एटम और भी होंगे, तो जो न्यूक्लियस होगा क्या उसका दूर से ही सही कुछ तो इलेक्ट्रॉन भी घुस सकता होगा। तो हम लोग जो सिंप्लीफाइड थ्योरी करते हैं वो एक्चुअल में ऐसे होते ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि भाई अभी डिपेंड भी करता होगा कि दूसरा न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन पे कुछ और लगा रहा है, पास अंदर के इलेक्ट्रॉन पे कुछ और लगा रहा है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन पे अलग अलग होता होगा। इलेक्ट्रॉन की कोई सिंगल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होती नहीं है, क्रिस्टल लैटिस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लेवल्स दिखाना, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल दिखाना गलत है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की रेंजेस दिखानी चाहिए, इसको बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं? बैंड। बैंड का मतलब एक स्ट्रिप होगी, 9 से 11 या इतना ज्यादा बड़ा बोल दिया 9 से 10.5 या 9 से 9.5, अगली एक एनर्जी बैंड होगी 13 से 14, नॉट एग्जैक्टली 13, फिर अगली एक हो सकती है तुम्हारी 22 to 23। फॉर एग्जाम्पल इतने के बीच में इलेक्ट्रॉन, अगल बगल की एनर्जी के इलेक्ट्रॉन का तुमने एक बैंड बना दिया। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की जो बैंड्स होती हैं वो भी ऐसे ही होगी, एक लोअर लोअर मोस्ट एनर्जी बैंड होगी, उससे थोड़ी सी ऊपर होगी, फिर थोड़ी सी ऊपर होगी, फिर थोड़ी सी ऊपर होगी, और सबसे आउटर मोस्ट वाली एक एनर्जी बैंड होती होगी। तो इलेक्ट्रॉन की क्रिस्टल लैटिस में अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी पे तो है नहीं, कुछ कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है, कुछ ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम सबको एनर्जी के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो लाइंस पे नहीं करते हैं, बैंड्स पे करते हैं। क्या करते हैं? बैंड, एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड। जो अपर मोस्ट होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड बोलते हैं? कंडक्शन बैंड।
नाम ही से लग रहा है कंडक्शन, जो कंडक्ट करने लगे। कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके न्यूक्लियस से टूट गए और फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे हैं तो उसी मटेरियल के भीतर ही, अब वो किसी एक न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी नहीं रह गए, सिंगल प्रॉपर्टी होगी पूरे क्रिस्टल की, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में लाई करते हैं। किसमें करते हैं? कंडक्शन भाई, जिसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें है वो कंडक्टर की तरह, जिसमें आ जा सकता है स्विच मार सकता है वो सेमी कंडक्टर टाइप होगा। और उसके जस्ट नीचे एक बैंड होता है उसको बोलते हैं वैलेंसी बैंड। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। तो सबसे ऊपर वाला अपर मोस्ट बैंड होता है कंडक्शन बैंड ये वाला, और उसके जस्ट नीचे वाला होता है वैलेंसी। इसके बाद भी बैंड होते होंगे और भी एनर्जी लेवल के बैंड होते होंगे, है ना, उनसे हमारा मतलब नहीं है इसलिए उनकी बात नहीं करते। अपर मोस्ट कंडक्शन बैंड, नीचे वाला वैलेंसी। तो कंडक्शन होता है हाइएस्ट और वैलेंसी होता है सेकेंड हाइएस्ट। सारा जो गेम है इन्हीं दोनों का है, क्योंकि अगर तुम इस वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इजीली दे दो तो बहुत अच्छे से कंडक्टर बन जाएगा, और अगर वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बढ़ा दो, एनर्जी का गैप, भाई वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उसको एनर्जी का जंप मारना पड़ेगा। क्या मारना पड़ेगा? जंप। एनर्जी कैसे चाहिए होगी? तो अगर जंप मारना डिफिकल्ट बना दोगे तो जा ही नहीं पाएगा, कभी कंडक्टर हो ही नहीं पाएगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ही नहीं बन पाएगा। और अगर तुम्हें जंप इजी बना दो तो इसका मतलब इजिली स्विच कर जाएगा, इजिली फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो यानी कि अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अच्छा कंडक्टर। तो जो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में गैप होता है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन, ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईजी, टी फॉर गैप, ई फॉर एनर्जी, नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अब ये जो बैंड गैप होता है बेटा, ये बैंड गैप के बेसिस पे कंडक्टर इंसुलेटर सेमी कंडक्टर कैसे क्लासिफाई करते हैं कि अगर ये बैंड गैप, अगर ये बैंड गैप है ही नहीं, कंडक्शन वैलेंसी कंफिगरेशन कोई डिफरेंस ही नहीं, या तो बिल्कुल दोनों टच कर रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को पता ही नहीं चल रहा कब वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है कब वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वो आराम से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन सकता है। जैसे सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल निकलने के लिए तैयार बैठा हुआ सारे एटम्स में, तो ऐसे मटेरियल कंडक्टर कहलाते हैं जहां पे गैप जीरो होता है। कितना होता है? जीरो, या ऑलमोस्ट जीरो, या फिर नेगेटिव सेंस में, मतलब ओवरलैप ही कर गए गैप, इसको बोलते हैं नेगेटिव सेंस में, मतलब ओवरलैप ही कर गए, घुस गए एक दूसरे में, तो नेगेटिव हो गया एक तरीके से, पर नेगेटिव सेंस है खाली समझने का, जीरो ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरो। तो जहां ये बैंड गैप जीरो होता है उसको बोलते हैं कंडक्टर, क्या बोलते हैं? लेकिन जहां ये बैंड गैप बड़ा होता है, और जितना बड़ा होगा उतना यानी कि इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में दिक्कत है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, तो वो इंसुलेटर बनेगा। क्या बनेगा? इंसुलेटर। अब क्वेश्चन है कि कितना बड़ा, कि कोई एक लिमिट तो बनानी पड़ेगी, ये कंडक्टर है इंसुलेटर, तो उसका एक रफ क्राइटेरिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है बोलो? 3 इलेक्ट्रॉन। अगर बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होता है तो उसको इंसुलेटर बोलते हैं। कितने से ज्यादा हो बोलो? 3 से ज्यादा हो तो उसको इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। 3 से अगर ज्यादा हो तो इंसुलेटर है, 0 हो तो कंडक्टर है, 0 हो तो क्या है? कंडक्टर। और 0 से 3 के बीच में हो तो ना तो वो इंसुलेटर हुआ ना तो वो 0 है, कंडक्टर भी नहीं है, थोड़ा लेकिन कम है, गैप है लेकिन कम है, 0 नहीं लेकिन, और बड़ा भी नहीं है 3 की तरह, तो वो सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर मैंने बोला था एक और डेफिनेशन है, सेमी कंडक्टर वो है, सेमी कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स फॉर व्हिच गैप बिटवीन वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज बिटवीन 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिटवीन 0 to 3 इलेक्ट्रॉन। कितने से कितने के बीच में बोलो? 0 से 3, 0 से 3, 0 से 3। समझ में? ये सेमी कंडक्टर की दूसरी डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में इसी आगे कंटिन्यू करेंगे। सर हाँ पूछो पूछो। सर ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं सर, ये वैलेंस बैंड से नहीं फ्लो करते, कंडक्शन बैंड में आने के बाद करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। कनेक्शन बैंड में आने के बाद वो फ्लो कराएंगे करंट, है ना, वैलेंसी बैंड में वो करंट नहीं फ्लो करा सकते। हाँ बोलो पूछो। देखो कंडक्शन बैंड से ज्यादा एनर्जी देती है तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बना, तो वो अब वो इलेक्ट्रॉन उसको काइनेटिक एनर्जी की तरह यूज करेगा, तो
तो है तो वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ही, अब वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ है और इलेक्ट्रॉन हर समय जब चलते हैं तो कोलाइड करते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं टकरा टकरा की एनर्जी का थोड़ी देर बाद लॉस लॉस करके वो रुक भी सकता है, वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के एनर्जी जो बैंड है उसमें प्रॉपरली आके रह भी सकता है, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो पहुंच तो गया है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक्सेस के नाम पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ये जो बैंड गैप होते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी के होते हैं। हाँ बिल्कुल, हीट पैदा भी होगी। अब तुम किसी सोर्स को तुम एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा वहां पे हीट पैदा भी करते हैं, इनफैक्ट लाइट इमिटिंग डायोड में यही तो होता है, उसके लाइट एनर्जी तो निकल रही है उस डायोड में, तुमने करंट पास कराई वो एनर्जी पैदा हो ही नहीं है, हीट पैदा हो रही है, तो रेडिएशन हीट ही तो होता है तेरे, होता भी कैसे। ठीक, चलो फिर, ओके, गुड नाइट।